नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप यानी कि कितने आपके कितने सब्सक्राइबर होगी तब आपको कम्युनिटी टैब इनेबल होगा आपके मोबाइल पर, यानी कि तब कम्युनिटी टैब आप पोस्ट कर सकते हैं, अपनी वीडियो शेयर करते हैं, या एग्जिट पोल आप कैसे आप यानी कि शेयर कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो पर आपको वही बताने जा रहा हूँ जैसे कि आपके कितने सब्सक्राइबर होंगे तब ही आपको कम्युनिटी टैब आपको यानी कम्युनिटी टैब का ऑप्शन आपको मिलेगा कम्युनिटी का। तो आपको यानी कि किस तरह आप यानी कम्युनिटी पे किस तरह आप पोस्ट कर सकते हैं, अपने वीडियो शेयर कर सकते हैं, या फिर एग्जिट पोल का ऑप्शन किस तरह आप अपनी कम्युनिटी के जब ऑप्शन आ जाता है तो किस तरह आप अपना पोस्ट कर सकते हैं, मैंने इस वीडियो पे बताया। और ख़ासकर ये वीडियो उन्हीं को यानी कम्युनिटी पोस्ट का ये ऑप्शन आएगा कम्युनिटी का जिनके सब्सक्राइबर जैसे लगभग अगर 200 या 300 आपके सब्सक्राइबर हैं तो आपको कम्युनिटी का पोस्ट का नहीं आपको ऑप्शन ही नहीं अनेबल होगा यूट्यूब के द्वारा। कम्युनिटी टैब का ऑप्शन तब अनेबल होता है यानी कि अपने आप यानी कि हो जाता है यूट्यूब द्वारा अपडेट कर दिया जाता है जबकि आपके यानी कि 500 प्लस सब्सक्राइबर हो, 500 से अगर ऊपर आपके सब्सक्राइबर हैं तो आप अपना लाइव चैनल चला सकते हैं, उसके बाद कम्युनिटी पोस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद कम्युनिटी पोस्ट करने से ये होता है आपके सब्सक्राइबर आपको बढ़ते हैं, आप अपनी फ़ोटो यानी कि पर्सनली फ़ोटो आप कहीं भी खींचे हैं तो उसे आप पोस्ट कर सकते हैं, आप अपनी वीडियो पोस्ट करते हैं वीडियो का लिंक भी डाल सकते हैं। ऐसा रहता है कोई भी यानी कि यानी कि आप पब्लिक में कर देंगे तो हर कोई जो कि आपके यानी कि आपके चैनल से ना सब्सक्राइब किया हो तब भी आपका यानी कि चैनल आपको ग्रोथ करेगा, इससे ये चांसेस रहता है कि जैसे कि आपके यानी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं आपका जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ने वॉच टाइम का भी यानी कि जल्दी आपके वॉच टाइम भी बढ़ता है। तो कम्युनिटी टैब में आप कैसे पोस्ट करेंगे, कैसे आप अपनी वीडियो शेयर करें कम्युनिटी टैब में, कैसे एग्जिट पोल आप डालेंगे कम्युनिटी टैब में कम्युनिटी में, तो मैंने इस वीडियो पर ही बताया है। प्लीज़ जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप अगर नए नए आपने अभी चैनल हाल में क्रिएट किया तो उससे संबंधी अगर आपको कोई यानी कि जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप यानी कि आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपको यानी कि आधे घंटे के अंदर आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई भी नया यूट्यूबर है जो उन्होंने अभी हाल ही में चैनल क्रिएट किया है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, पूर्णतः आपके हेल्प की जाएगी। मैं अभी कोई उतना बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं यूट्यूबर नहीं हूँ लेकिन मुझे जितनी हद तक मेरे को नॉलेज है मैं आपको बताने की पूर्णतः इनकी कोशिश करूँगा कि आप यानी कि आप अपने चैनल पर सुधार लाएँ या फिर बैनर किस तरह बनाएँ, किस तरह पोस्ट करें, क्या है यूट्यूब की गाइडलाइन, पूर्णतः आप लोगों का सपोर्ट करूँगा। तो प्लीज़ भाई जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर कम्युनिटी से कैसे आप पोस्ट करेंगे। आशा करते हैं वीडियो जो है आपको यूजफुल लगा होगा। प्लीज़ भाई चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। अब अपनी यूट्यूब में चले आना। यूट्यूब में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है आप अपने चैनल लॉगिन कर लेगा जिस पर ही जिस चैनल से आप अपना कम्युनिटी टैब जिस चैनल पर अनेबल हो आप उसी चैनल को इस तरह लॉगिन कर लेना। ये मेरा चैनल है जैसे कि तमाम यूट्यूबर ने आपको बताया कम्युनिटी टैब यानी कि आप इनेबल करवा सकते हैं तो यानी कि बताते हैं चांसेस रहता है 50% लेकिन ये मैं आपको बोल रहा हूँ ये 100% चांस नहीं रहता कम्युनिटी टैब आप इनेबल करवा सकते हैं लेकिन आपको कम्युनिटी टैब तब आपको मिलता है। ये देखो मेरे पास मेरा दो चैनल है, एक पर ये कम सब्सक्राइबर है, इस पर ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं फर्स्ट वाले पर और सेकेंड वाले पर, इस पर फर्स्ट वाले पर ज़्यादा सब्सक्राइबर और सेकेंड वाले पर कम सब्सक्राइबर हैं। तो कम्युनिटी टैब में जो कि मैं इसे चेक कर रहा हूँ इस चैनल पर मेरे कम्युनिटी टैब का ऑप्शन ही नहीं आया है अभी तक। ये देखो यहाँ से कम्युनिटी टैब ये चैनल पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर देखो यहीं पर आता है चैनल आता है इसी के बगल में प्लेलिस्ट के बगल में कम्युनिटी एक ऑप्शन आ जाता है जो कि आप अपना वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, आप एग्जिट पोल बता सकते हैं या फिर अपनी फ़ोटो पोस्ट कर सकते हैं। ये देखो इस चैनल पर यानी कि अभी तक कम्युनिटी टैब का ऑप्शन नहीं आया जो कि इसके कम सब्सक्राइबर हैं तो इस पर यानी कि इस कम्युनिटी टैब का ऑप्शन नहीं आया। तो उसके बाद मैं अपना दूसरा चैनल लॉगिन कर रहा हूँ, ये देखो मैंने लॉगिन कर दिया इस चैनल पर मेरे कम्युनिटी टैब का ऑप्शन आया है तो मैं इसे चेक कर रहा हूँ। ये देखो प्लेलिस्ट उसके बाद कम्युनिटी, ये कम्युनिटी टैब का यानी कि कम्युनिटी का ऑप्शन आया है जो कि मैंने एक वीडियो भी शेयर किया है।
तो इस तरह यानी कि आपके अगर अधिक यानी कि 500 से अधिक सब्सक्राइबर रहेंगे तभी आपको कम्युनिटी का ऑप्शन आएगा। तो अब इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप कम्युनिटी टैब पर कैसे आप पोस्ट कर सकते हैं, कोई पोस्ट कर सकते हैं या एग्जिट पोल का ऑप्शन ला सकते हैं। तो कैसे आप पोस्ट करेंगे या फिर वीडियो शेयर करेंगे, कम्युनिटी टैब पे वीडियो शेयर करने से ये फ़ायदा रहता है कि आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं और उसके वजह से अधिक लोग पब्लिक वॉच भी वॉचिंग टाइम भी बढ़ता है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है पड़ेगा, आप अपने चैनल को लॉगिन कर लेंगे ना, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है योर चैनल, योर चैनल पर जैसे ओके करेंगे तैसे आपको तमाम यानी कि ऑप्शन है। आपको सर्वप्रथम आपको हम कम्युनिटी टैब में आपको यानी कि वीडियो कोई भी अगर वीडियो का लिंक यानी भेजना कम्युनिटी टैब में ऐड करना है तो सर्वप्रथम कैसे आप करेंगे, यहाँ पर यानी कि वीडियो की लिस्ट आप अपने चैनल के जो भी आपने वीडियो अपलोड किया हो चैनल लिस्ट खोल लेना। उसके बाद यहाँ पर एक दिखाई दे कोई भी आप ऐसे कर लेंगे, जैसे मान लीजिए आपको ये पहले वाला भी पीएम अप ये अब ये वाला यानी कि करना है कम्युनिटी टैब में ये ऐड करना है। तो क्या पर आप तो सर्वप्रथम यहाँ पर 3 डॉट लाइन दिखाई दे उस पर आप ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन आ गया उस पर ओके कर देंगे। उसके बाद क्या करना है आपको लिंक कॉपी कर लेना है, लिंक ये तो कॉपी हो गया। उसके बाद फिर से यहीं पर 3 डॉट लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर आप करेंगे। उसके बाद शेयर पर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्रिएट पोस्ट पर ओके कर देंगे। जैसे क्रिएट पोस्ट पर ओके करेंगे तो ये देखो ये ऑप्शन यानी कि ये आ गया। तो आपके आपने जो लिंक कॉपी किया था यहीं पर आप इसे यहीं पर आप पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको यानी कि दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पब्लिक कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन ऑप्शन आपको ये आ जाएगा यहाँ पर टाइमिंग, जो टाइमिंग आप यानी कब से कितने दिन तक तुरंत यानी कि टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वॉचिंग टाइम ये दिखाई दे रहा है, वॉचिंग टाइम ये भी दिखाई दे रहा है। ये तो आप यानी कि आप इस पर एक पहले ऑप्शन होगा, दूसरा 24 घंटे का ऑप्शन है यानी कि 24 घंटे तक ही पब्लिक में आपका शो करेगा। अगर इस पर आप 24 घंटे कर भी इसको नाइन यानी कि प्रथम वाले पर कर देंगे तो ये हमेशा के लिए कम्युनिटी टैब में रन करेगा, लोगों को दिखाएगा। और इसके बाद यानी दूसरे ऑप्शन का ये मतलब है कि 24 घंटे के अंदर ये अपने आप कम्युनिटी टैब से अपने आप हट जाएगा। उसके बाद इस तरह आप अपने इनकी वीडियो शेयर कर सकते हैं, इस पर यहाँ पर आप पोस्ट कर देंगे तो ये पब्लिक में कम्युनिटी में ऐड होगा, जो कि मैंने पहले ही ये इस संबंधी मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया था। इसे हम इसी तरह आप यानी कि ये पोस्ट कर देंगे। ये तो हो गया वीडियो का कैसे शेयर है, ये जो कि मैंने मैंने ये वीडियो एक पोस्ट किया है मैं इसे नहीं करना चाहता तो मैं इसे कैंसिल कर दे रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया इस तरह आप कम्युनिटी टैब में अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर रहेगी बात आप अपनी फोटो कैसे शेयर करेंगे कम्युनिटी में, तो मैं इसे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि ये मैंने ये कम्युनिटी टैब में ये वीडियो इनकी ये ऐसा लिंक भेजा है जो कि मैंने इनकी शेयर कर दिया है। ये देखो अगर जैसे ही आप कम्युनिटी टैब में अपनी वीडियो को ऐड करेंगे तो इस तरह आपको वीडियो यहाँ पे लिंक आपको ऊपर दिखाई दे, जो भी आपके चैनल से जुड़ना चाहते हो लिंक पर कॉपी कर डायरेक्ट पूरी वीडियो देख सकता है उसके, इस तरह आप होगा। उसके बाद बात तो हो ये तो हो गया वीडियो शेयर करने की बात। उसके बाद आपको फोटो यानी कि कोई भी अपने कम्युनिटी टैब में फोटो अपने पोस्ट करनी है तो सर्वप्रथम यहाँ पर प्लस का निशान दिखाई दे रहा है बीच के हिस्से पर, उसके बाद यहाँ पर क्रिएट पोस्ट पर दिखाई दे रहा है इस पर आप ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर तमाम आपको ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर टूल द पोल इमेज पोल और टेक्स्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आप अपनी इमेज फोटो या कोई भी यानी कि इमेज आप यानी कि करना चाहते हैं तो इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको यानी कि मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर फिर से नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ये जो मैंने फोटो वहाँ से इमेज सेलेक्ट किया था ये अपलोड यानी कि अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ इसके इमेज के बारे में जैसे कि मुझे कोई लिखना है ये कहाँ की टेंपल है, तो मान लीजिए मैं इसे इसे उदाहरण के तौर पर आपको बता दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं ये यूपी लिख दे रहा हूँ। उस यूपी लिखने के बाद ये हम पोस्ट कर देंगे। यहाँ वॉचिंग टाइम भी चल रहा है इसे हम क्या करेंगे नाउन कर देंगे, पहले असाउंड पर कर देंगे ये तभी सभी को आपको इनकी दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम पोस्ट कर देंगे, ये देखो ये पोस्ट इस तरह आप पोस्ट कर सकते हैं। ये देखो ये फोटो मैंने ये पोस्ट हो गया, इसे आप देखने के लिए हम क्या करेंगे इस पर चले आएंगे। उसके बाद ये देखो ये फोटो यानी कि आपको ये दिखाई दे, इस तरह आप अपने
कैम नेटिव में आप अपना वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, आप अपनी फ़ोटो भी शेयर कर सकते हैं। और ख़ासकर जिन लोगों का 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है उन्हें ही कैम नेटिव में इस तरह के ऑप्शन आएंगे। अगर कोई भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की आपको यानी कि अगर आप यूट्यूबर हैं, किसी प्रकार के आपके क्वेश्चन हैं, कोई भी यानी कि प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं तुरंत आपको 1 घंटे के ही अंदर आपको रिप्लाई दे दूंगा। आशा करता हूँ जो ये वीडियो आपको यूजफुल लगा प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा।